विश्वामित्र वो परशुराम जी आते हैं, राजाओं ने दंगा देखा,
सारे राजा इधर-उधर चले गए। राम और परशुराम का संवाद हुआ, सारी बातें जड़ी कटी हुई। उसके बाद उनका जो भ्रम था वो भी दूर हुआ कि राम रमापति करदन लेउ खींचो मिटे मोर सति। के देत चा पापई चले गए ऊपर सुराम मन विस्मय, उसका विस्मय दूर हो गया। चार कला देकर के परशुराम जी भी चले गए। अयोध्या खबर गई, चारों भाई आए, चारों भाइयों का विवाह हुआ। जैनपुरी राम का विवाह सीता के साथ, भरत का मांडव के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ और मांडवी का शत्रु, ऐसे ऐसे चारों का विवाह हुआ। तो सखिया कुछ देर तक वर वधु को अंदर ले जाती है, कहीं ये तो पता नहीं कहां ले जाती होंगी। तो सखी राम जी से लक्ष्मण से मजाक करे, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, देख ये तू जानते कछु, अयोध्या की स्त्री ने कितनी पावर है कि वो आदमी की तो कोई जरूरत ना है। उनकी मैया जो मां कितना है, अयोध्या की स्त्री तो ऐसी है कि चामर खा खा के बालक पैदा, जो भगवान राम चामर की तो पैदा है। और लक्ष्मण तो जा ख्या से काट ना पाए। राम बोले भैया बहुत सही कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर देखो हमारी तो मैया चामर खा खा के पैदा कर रही है, पर न्या की तो न स्त्री न की जरूरत है न आदमन की जरूरत है, न्या की तो भैया पृथ्वी में देश हुई निकल निकल के आ रही है। तो सीता जी पृथ्वी थी तो निकली, भैया हमारी चलो मां तो चलो चावल खाए फिर पुत्र तो पैदा कर रही है, पर न्या की तो आदम की जरूरत ना भैया न की, और न्या तो पृथ्वी में ही निकल रही है छोरी भैया, असल से तो न्या की भूमि को है। कहने का प्राय बहुत सी उनकी मजाक है, सौ पेड़ों की मजाक है इनकी, मुद्राओ राम की और जनकपुरी की स्त्री होगी। आखिर में बारात कितने दिन रुकी, धनतेरस के दिन बारात आई अयोध्या, और बसंत पंचमी गई का एक तारीख की माह में आधे मागुना आधे महा पांच कार्तक में धनतेरस को आई है और माह में बारात विदा भैया कितने दिन है गई, और आजकल ये बारात कितने लग रही है भैया, एक घंटा, और एक घंटा एक घंटा नहीं रुकन दी खबान में देगी होगी। जैसे बारात बस में आई वाली रुकी है सो गद चले वो बेटी बाब, तो सौ सौ रुपया हरेक बारात की बाब दे के बस में वाले की जाओ होटल बताएंगे। वाने बेचारे ने सौ सौ रुपया बराती रुदे के जलमा से को बहुना दे गंदा होता रनु ना दे के जाओ होटल से किसी से खा लेता, जो खाए भी खा जिया मत खाई परेशान है करूं ये बात है। गुरु की लाला ठीक है रे बहुत बढ़िया पचास खाने पचास, तो आज पर ले ऐसी बरात रह गई है भैया। बरात लौट करके अयोध्या आती है, महाराज दशरथ दशरथ चारों बहुओं के बीच में राज कर रहे हैं, और राज करते करते जब कुछ दिन व्यतीत हुए तो एक दिन कौशल्या और चारों बहुओं को बुलाया, कह लगी देखो जो पराए घर की छोरी हमारे यहां बहु बन के आई है ये कैसे राख रही है। अरे भादुर लड़कीनी पर घर आई और रखियो ने हमारे घर बहू बन के आई है अपने घर की छोरी, जैसे आंखें तो नेत्र तकाए नेत्र की रक्षा ये पलक करते हैं इसी प्रकार हमको इन बहुनों की रक्षा करनी है। कौशल्या के सुमित्रा से इधर सीता और मांडवी सुत कीर्ति इनसे बोले कि सुनो तुम्हारे पिताजी का आज शिक्षा, अरे सादर सासु ससुर पद पूजा
और जाते धर्म और नहीं दूजा। पुत्र वधु तुम्हारे का बेटी अच्छी है कि सास ससुर और पति की सेवा से बढ़कर के तुम्हारा कोई दूसरा धर्म नहीं। इसी प्रकार से आपको सास ससुर की सेवा करनी है। और कारण का है कि बहुत माना मान नहीं सास हुए लड़ाई जी बात की है और सास बेटी ने मान नहीं बहु है वो खटका के तरीके। अगर सास मान ले कि मेरी बेटी है चलो बेटी तो गई कब कब आ रही है जी बेटी तो मेरी जिंदगी भर में देरी पे नहीं मेरी बेटी ते ज्यादा बेटी जी है। अगर ऐसे भाव सास करेगी तो बहू कहेगी कि असली माया तो छोया ही और बातें बढ़ेगी वो जी मां मिली मेरा जीवन तो जा माप अगर मां बेटी माने और बेटी मां मानने लग जाए तो संसार में अब सतजो आ जाए पर अब जी काम कहा है बेवा। एक बार महाराज दशरथ कान के जोरे सफेद वार से दिखी गए दर्पण दिख रहे कान समीप श्वेत वही कान के जोरे सफेद वार दिखाई दे तो यह प्रतीत होता है कि यह चौथापन आ गया चौथापन आ गया। देखो हमारे गृहस्थ को शास्त्र के अनुसार बताइए 50 वर्ष और जहां बन लग जाए जा शब्द के पीछे बन क्या बन क्या बन बन लग गई गिनती के पीछे बन लग गई तो ये बन ये सूचित कर रहा है कि 50 साल तक भोग भोगो तेरे शास्त्र की नीति से 25 साल तक ब्रह्मचर्य 50 साल तक गृहस्थ अब एक क्या बना गई एक क्या बना को मतलब है बना संकेत मिल लो है छोड़े खेते में कुटिया बना ले चलो बामना भाई अब इन आएंगे बेटे भाई अच्छा 5-7 वर्ष हो ले फिर वह 4-5 साल और दे दे पित्रेपन 54-55-56 तक भोग ले फिर साथ में गिनती का आ रही है 57-58 वर्ष और भैया तू क्रीड़ा कर ले जा कष्ट ना मान लो 58 पे तो भूख डाल कर दे दे सरकार 57 चलो 57 ना लेगा तो 58 पे तो त्यागी दे बना रही है पर ना त्यागी हो जाए कर्ण समीप श्वेत वही की साथ कार्य के जो बात सफेद दिखाई दिए गुरु जी से बोले गुरु जी अब तो मुझे ऐसी प्रतीति है रही है कि चौथो बनाए गए संत कहत नीत दशानन चौथे पन जाइए न पकड़ ऐसा होता है कि चौथी अवस्था में कारण कहते जंगल में जाना चाहिए। हाँ बात तो सही है भाई तो आज गुरु जी की और दशरथ की ये वार्तालाप हो रही है इधर घड़ी में 4 भी बज चुके हैं। आज देखो पहली सूचना तो यह है कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा इसलिए मैया प्रसाद में दही और कोमरी भाई नंद जी के यहां कन्हैया जाएंगे कल तो बालक हो तो कहा तो कोमरी भूमरी पे बांटता बताओ तो चलो चना की रहो तो गेहूं की उसे लही भैया कल कोमरी रही हो और देखो कन्हैया जी को उत्सव मना जागो और दही से अभिषेक किया जाएगा तो मां तो गोकुल से लेके जमुना तक दही की नदी बह गई तो भैया वह भांगे तो कहा पर तू भी प्रसाद में फाट देंगे तो कल दही और कोमरी का प्रसाद लाना है और आज शाम का जो संत राधा तेरे रहिए कौन
हेलो आज कथा को पंचम दिन है। सुखदेव महाराज जी परिचय को पंचम दिन की कथा में बताने लगे। महाराजा दशरथ कान के पास समीप बारो सफेद वार दिखाई दिए। गुरु जी से बात कही, गुरु जी ने बताया आपके मन में क्या इच्छा है। कि मेरा तो ये अभिप्राय है कि चौथा बना गया है, राम को राजगति दे दू, तीनों पुत्रों को युवराज और मैं भगवान का भजन करूं, ये तो अच्छी बात है। ठीक आज वो दिन बहुत निश्चित कर दिए गुरुदेव ने, फलाने दिन राम के लिए राज तिलक होगा। अयोध्या में खुशियां मनने लगी है। इधर देवताओं को पता पड़ा कि राम का जन्म तो हमारी रक्षा के लिए हुआ था, आज वो राम अयोध्या के राजा होने जा रहे हैं। सरस्वती से बोली कि माँ इस काम को कैसे भी बिगाड़ा, मने किया पर देवता ने ज्यादा विनती की। सरस्वती अयोध्या में आई, कई कई की एक दासी थी मंथरा, उसकी बुद्धि में बैठ गई। सुबह राज तिलक होने वाला था, शाम का वक्त था। देखिए जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम नहीं काम, दोनों कहूर रह सके रवि रजन एक। जहां काम होता है वहां राम नहीं रहता है। अयोध्या क्या है? हृदय बताया। इस हृदय के अंदर राम और काम एक जगह नहीं रहेंगे। शाम का वक्त था, के कई मंथरा को समझाने लगी। देख रहे सुबह राम के लिए राज तिलक हो रहा है, तेरे पुत्र ननिहाल से नहीं बुलाए। कई कई बोली ऐसी बात है मत कर, राम और भरत दोनों मेरे नेत्र ही, राम के रात की खुशी में जो तेरे को मांगना है सो मांग ले, वही दूंगी। मंत्रा तो जल रही है, मंत्रा को भी जलने का एक कारण था कि जब कौशल्या को ये उसकी दासी ने बताया कि कल राम के लिए राज तिलक होगा, तो नौ लाख का हार पहन रही थी माँ कौशल्या, उस हार को अपनी दासी को दे दिया इस खुशी में कि मेरे पुत्र के लिए राज तिलक हो रहा है। वहां ये मंत्रा खड़ी थी, मंत्रा के लिए कुछ नहीं थे। कहने लगी इसके नौ लाख का हार मेरे लिए कुछ भी नहीं है, देखूंगी तेरा राम कैसा राजगद्दी पर बैठता है, नहीं भी देखती। ये चिट्ठी मंत्रा की आज केके को ये न केन प्रकार एन बड़ी बड़ी कथा दृष्टांत सिद्धांत सुना रही है। आखिर में यहां तक कहने लगी रानी तो बड़ी भोली हो, राजा का प्रेम तो कौशल्या राम से है, देखिए हमको कोई मतलब तो नहीं है। अरे कोई न पहोई हमें कहानी और चेर छाड़े हम होए न रानी, हमारे जानते तो राजा राम हो जाए चाहे भरत हो जाए, देखिए हम तो दासी की दासी है, हम तो रानी होने से नहीं पर हम तेरे हित की बातें कह रहे हैं कि तेरे पुत्र ननिहाल से नहीं बुलाए और कौशल्या के पुत्र की लाज रख। बहुत सी बातें कही, समझ में आ गई।
जाकू दुख डाले दर दही ताकि मत पे नहीं कहीं कहीं बोली मंत्रा बोल तू तो मेरी बड़ी सोच चिंतक है बोल क्या चाहता है कि आप भी सोच लो कि तुम्हारे वरदान है दुराजा पर आप नहीं को मांग लो एक में तो भरत के लिए राज दूसरे में राम के लिए 14 साल का वनवास ठीक ऐसे नहीं कुंभ में जाओ गहने कपड़े डाल गुस्सा में हो जाओ बोलो मत और राजा त्रिवच्चा भर जाए जिन दोनों वरदानों को मांग ठीक ऐसा विचार करके के कई कुंभ भवन में चली जाती है देख ये काम प्रताप बढ़ाई और काम का प्रताप देखो महाराजा दशरथ काम के बस होते हैं आज और केकई संकल्प दीप की रहने वाली थी बहुत सुंदर थी बहुत प्यार भी करते थे कहने की आज मैं केकई से ये कहूंगा कि राम के लिए रात रख होगा बड़ी खुशी होगी और मैं अपने काम की पूर्ति करूंगा राजा के हृदय में जब काम जागृत हुआ केके के प्रति तो राम भी तैयारियां करने लगे अयोध्या में राम और काम एक जगह नहीं रहेंगे केके के महलों में गए जब केके के महलों में गए तो केके नहीं मिली सुना कुंभ वन में है जब कोप भवन का नाम सुना तो राजा आधे रह गए कि ये कारण क्या है महाराज कोप भवन में गए गहने कपड़े अलग पड़े हैं बाल बिखरे हुए हैं लाल लाल नेत्र हैं लंबी लंबी सांसें ले रही है कि कहीं महाराज बोले भाई ये कारण क्या है महाराज गए कि कहीं एकदम 5-7 करवट ले गए महाराज बोले कोई बहुत बड़ा कारण है शायद फिर उठ करके उधर गए महारानी की कही फिर 5-7 करवट हो गए महाराज बोले क्या कर महाराज कहने लगे हे सरोजनी जो कामी आदमी होता है ना कैसे सदप्रयोग करता है स्त्री से तुम जा काम कर लियो तुम जो काम कर लो यानी तुम कह के बोले हो आज महाराज भी कैसे शब्दों के प्रयोग करने लगे ओ सिलोचनी ओ पिकवेनी ओ मृगनेनी तेरी माँ कौन है उमड़िया पर हो तो हाथ कटवाए तुम्हें अगर दृष्टि मिलाई हो तो शीशे कटवाए दू बोल कहां के राजा देश से निकाल दू और कहां के भिखारी है देश का राजा बना दू आज कोई अमर राजा हो उसी की भी पावर नहीं है कि जो दशरथ की बराबरी कर सके पर हे प्रिय इस निशाने के कारण को तो बता निशाई है केके ने जानी कि हाँ जी पूरा बसियों तो है वो मेरे ऊपर अब मैं कहूंगी सो करे वो मुझे बाने की हमको तुमसे क्या लेना है आपकी तो प्यारी कौशल्या है आपका तो प्यारा राम है नहीं नहीं केके ऐसी बात तो कोई नहीं है नहीं है सच बोलते ही कि हाँ मैं सच कहता हूं तो आपको ये पता है कि मेरे आपके दो वरदान थे कहां को जहां काम होता है वहां ज्ञान नहीं रहता है जब आदमी काम के वशीभूत हो तो स्त्री चाहे जैसे हमी भरवा सकती है चाहे जो कहलवा सकती है अगर मेरे से प्यार करते हैं तो मेरे दो वरदान थे आप पर कहां मेरी तो ऐसी इच्छा है कि आज मांगने की इच्छा है क्या दे दोगे क्या बिल्कुल दो के चार एक कामियों की बात है बता रहा हूं दो के चार तुम्हारा नहीं दो ही मांगती कहीं दो ही दे क्या तो दे दो मांगो क्या मांगती हो क्या महाराज एक वरदान में तो ये चाहती हूं
कि राम के लिए वो भरत के लिए राज तरक आदमी काम ही होता है तो विचार नहीं करता क्या कह रहा। हाँ दे दिया दे दिया, कोई विचार नहीं किया। अब हार छोड़ने लगी दूसरे वरदान में के मांगू दूसर पर कर जोरी। महाराज हाथ जोड़ करके दूसरा वरदान मांगती हूँ के मांगो मांगो जल्दी मांगो के ताप सवे सविशेष उदासी और चौदह बरस राम वनवासी। अब राजा की धमाकम बात आई कहने की गई तेरो पहलो वरदान स्वीकार सुरे हो तखे व्रत के का राज दे दू पर जब दूसरे वरदान के बदले में तू कछु और मांग ले दो चार मांग ले कछु मांग ले वही दे दूंगा पर राम है वनवास क्यों के जीवन मोर राम बिना है मेरा जीवन बिगड़ राम के नहीं देह प्राण के प्रिय कछ मांगे आज प्राण मांगे तो प्राण दे दूंगा पर देख राम को वनवास मत भेजे या तो वरदान दो या अभ्यास। महाराज ने सोचा कि ये बहुत लंबे किसी गुरु की पढ़ाई हुई है मानेंगे गिर पड़े ना जाए। चार बज गई भाट लोग वृंदावली देने लगे। वशिष्ठ ने कहा भाई राजा को जगाओ अभी तक नहीं जगे आप तो राज तक होगा आपका तैयारियां करनी है। सुमंत गए महलों में नहीं केके के पास पहुंचे एक कोने में केके और एक कोने में महाराज दोनों भाई कोई किसी से नहीं बोलता है। मंत्री सुमंत जिसकी सुंदर बुद्धि उसको सुमंत कहते कह लगे महारानी महाराज के पढ़ने का कारण क्या है तुम तो जल्दी से राम को बोल के लाओ महाराज की सारी रात राम राम कहकर की व्यतीत हुई है। आज सुमंत राम के पास गए कि राम सुमंत आवत देखा आदर कीन पिता समलेखा। जब आते देखा तो पिता के समान आदर किया राम जी ने सुमंत मंत्री का कहो कि तुम्हारे पिता जी याद करें। राम जी गए जब राम जी गए तो महाराज को देखा एक बार राम की तरफ जब देखा तो राम महाराज के नेत्रों से टप टप आंसू गिर पड़े फिर गिर पड़े। अब बोलते रहे मैया पिताजी क्यों नहीं बोलते हैं इतना बड़ा क्या दुख है बताओ तो सही कि बेटा तुम्हारे पिता का तुम पर बहुत बड़ा प्रेम है। मेरे दो वरदान थे भरत के लिए राज और तुम्हारे लिए 14 साल का वन तो तुम्हारे वन के जाने के लिए कहने में असमर्थ हो रहे हैं कि मैं राम से कैसे कहूं कि तुम वन को चले जाओ कि बस इतनी बात है। अरे बहुत छोटी अरे बस छोटी सी बात मत ले। अरे मेरा भाई अयोध्या का राजा और मैं जंगल का राजा तो कोई बात नहीं सुमंत चल जल्दी रथ सजाओ। सुमंत और राम आ गए इधर सुमंत रथ सजाने लगे सीता को पता पड़ा कि राम वन को जा रहे हैं। सीता कहने लगी महाराज मैं अवश्य चलूंगी कि नहीं पिताजी की देखभाल करना माता जी की देखभाल करना। सीता ने एक ही जवाब दिया कि जिया बिन देह नदी बिन वारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। शरीर में जीवात्मा निकल जाए तो शरीर बेकार है नदी के पानी चढ़ जाए तो नदी बेकार है बिगर स्त्री के पुरुष पुरुष वो बिगर पुरुष की स्त्री बेकार है। महाराज तुम्हारे साथ चलो ज्यादा समझा राम जी ने जाना का साथ रोग सीता नहीं मानेगी अरे तैयार हो जाओ।
सीता भी तैयार, लक्ष्मण को पता पड़ा, भैया मैं भी चलूंगा। अरे नहीं देखो दोनों भाई ननिहाल में है, सीता साथ जानिया कोई नहीं है, भैया की रक्षा करना, माता पिता की सेवा करना, कहने भैया मैं चलूंगा। अपनी माँ से पूछो, अपनी मैया सुमित्रा के पास गए, माँ राम बन को जाने तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं चला जाऊं। महो तो सुमित्रा, सुमित्रा ने क्या बोला, एक ही शब्द, अरे तुम्हारे भागे राम बन जाई और दूसरे तात कछु नाही, ये राम बन को तुम्हारे कारण जा रहे, दूसरा कोई कारण नहीं है। क्यों? लक्ष्मण से सावधान थे, शेष पर पृथ्वी का भार हो गया राक्षसों का, तो राक्षसों को मारने के लिए जा रहे हैं जंगल में, तो शेष का ही तो हित है, पृथ्वी का भार दूर होगा तो शेष हल्के होंगे, तेरे कारण जा रहे बेटा। और देख मैं भी पुत्र पति युवती कहने योग्य जब भी बनूंगी, जब तू भगवान का भक्त बन जाएगा सेवा करेगा। के पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भक्त जास सुत होई, पुत्रवती स्त्री तो वही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। चौधरी जा मैया को पुत्र भगवान और भक्त ना, क्या वो पुत्रवती नहीं है? नहीं नहीं, कौन है वो? वो के नतर पांच बलो व्याधि बयानी, नतर पांच ऐसे पुत्र ते तो मां पांच रह जा तो अच्छी है, के नतर पांच बलो व्याधि बयानी राम विमुख सुत ते बड़ हानी, जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है ऐसे पुत्र से तो वो बांध रह जाए। जे गुण जिस पुत्र के अंदर न हो, कौन से गुण? जाओ तो बनिया के उठे जाओ। ये शाम न विद्या तपोन दानम ज्ञानम न सीलम गुरु न धर्म, ते में पेलो के न भूमिवार भूता मनुष्य रूपे मृगा शरंती। ये शाम विद्या, जिसके पास न तो विद्या है न बल है न दान है न कोई गुण है न कोई धर्म है, ईशम जा तपोन दान गुरु ते मृत लोग, उस तो ये तो लोग इस मृत लोग में पृथ्वी लोग में ऐसे घूम रहे हैं जैसे बिगड़े पूंछ को पशु भारे रहे घूमत हुए। चलो और छूट कर दी है, अगर भक्त नहीं जन सकती है तो ये दोनों को जन्म देगी। के तो जननी भक्त जने, अगर तू भक्त नहीं जनती है तो इनको जन्म दे दे। कौन? के तो जननी भक्त जने के दाता के सूर जाते तो तू बाज भली क्यों गमावे नूर। नहीं जन्मती है हर में तो भक्त जने, अगर भक्त ना पैदा है ना तो कोई सूरवीर या दानवीर पैदा कर, या तो सूरवीर हो या कोई दानवीर हो। अगर तीन निमित्ते अगर चौथे जन्म दे रही है न भक्त न सूरवीर न कोई दानी, तो जाति तो टूपरिया जवानी है नूर है भी बात है बर्बाद कर रही है, बांध रहेगा तो अच्छी। इसीलिए लक्ष्मण जी को आगे सुमित्रा ने दे दी, राम लक्ष्मण और सीता ये वन को जा रहे हैं। सुमंत का रथ आगे बढ़ रहा है, सारी अयोध्या में क्या शोक छाया हुआ है, कैसी स्थिति बनी हुई है अयोध्या के अंदर, भैया सिंह जी बता दे। राम का Oh.
Thank you.